अगर तुम भी ये हेरा फेरी करते हो तो कमेंट करके बताना। लेकिन कुछ भी कहो, आपके सपोर्ट के बिना ये चैनल कुछ भी नहीं है। आप हो तभी ये चैनल है। मॉर्निंग, सबसे पहले मैं आपको हैप्पी रिपब्लिक डे बोलना चाहूँगा। लेट हो गया उसके लिए सॉरी, क्योंकि ये ब्लॉग मैं 26 तारीख को शूट कर रहा हूँ तो अपलोड करूँगा 27 तारीख को, तो उसके लिए सॉरी लेट के लिए। वैसे एक बात की खुशी आज है कि पहले पॉलिटिकल साइंस वाले प्रोफेसर मना कर दिए क्लास चलने से। भाई साहब, स्टूडेंट लोगों को बंक करने से ज़्यादा खुशी इस बात की होती है कि प्रोफेसर मना कर दे क्लास नहीं चलेगा, तब ज़्यादा खुशी होती है, ना कि बंक करने से। बंदे इतने ज़्यादा दुष्ट हो गए हैं, क्योंकि कल दोपहर में भी बंदर आ गया था नुकसान कर जाए तो कुछ सामान, और कल रात को भी 7 या 6 बजे के आसपास आया था और वहाँ पे प्याज रखा होता है। सब प्याज खाते नहीं है, फालतू नुकसान करके चले जाते हैं और परेशान भी करते हैं उल्टा। पता नहीं सुबह से परेशान हूँ, इस मोबाइल में दिक्कत है या इस चार्जर में दिक्कत है। चार्ज लगा रहा हूँ, बार बार चार्ज छोड़ दे रहा है, और आज जब परेशानी हो रही है चार्ज लगाने में तो बार बार सबका फोन आया जा रहा है। इससे पहले किसी का नहीं आता है जब सही रहता है चार्जर, या मतलब सही जब मोबाइल सही था, तो जब खराब हुआ है तो उसके बाद सबका फोन आने लगा लगातार। कितना भी कोशिश करने बाद जैसे चार्ज कनेक्ट हो रहा है तुरंत किसी न किसी फोन आ जा रहा है। बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं। मेरे एक दोस्त के लिए मैसेज है जिसने ब्लॉगिंग चैनल नया स्टार्ट किया है। देखो भाई, मेहनत तो लगेगी, मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन इम्प्रूव भी करते रहोगे जैसे जैसे मेहनत करते रहोगे। तो कभी डरना मत, कभी घबराना मत। स्टार्टिंग में व्यू नहीं आएंगे उतने, तो घबराना मत, बस वीडियो अपलोड करते रहना, कंटिन्यू रहना यूट्यूब पे। और बाकी कुछ जानने की इच्छा होगी तो पूछ लेना मुझसे। वैसे है, जितना आप लोग से सपोर्ट मिल रहा है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है और वीडियो बनाने में। अभी अपना 26 तारीख हुआ तब तक 164 के आसपास सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए, और हम लोग का टारगेट था कि 150 करना इस मंथ के एंड जाते जाते, तो ज़्यादा हो गया, उसके लिए थैंक यू। अभी 3-4 दिन बाकी इस मंथ को एंड होने में, क्या पता आपका सपोर्ट और अच्छा मिल जाए और ज़्यादा हो जाए सब्सक्राइबर। लेकिन कुछ भी कहो, आपके सपोर्ट के बिना ये चैनल कुछ भी नहीं है। आप हो तभी ये चैनल है। थैंक यू यार, मुझे अपने दिन का एक हिस्सा बनाने के लिए। वो सिलेंडर लेकर आया हूँ, और यहाँ से पर्ची कटेगी। ऐसा कुछ पर्ची कट के मिलेगी, इसको जाके जमा करना होगा एक जगह, तब सिलेंडर एक्सचेंज हो जाएगा, भरा हुआ सिलेंडर फिर मिल जाएगा। खाली सिलेंडर जमा करके ये नया सिलेंडर मिल गया भरा हुआ। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है इसको बाइक को ले जाकर पैर पर लेने का, यही एक होता है जो ये बार बार लगातार जो ब्रेकर आते हैं, ये जो लगातार जो ब्रेकर है इसमें मुझे ज्यादा दिक्कत होती है। एक तो इतना भारी सामान लिए, सिलेंडर लिए, ऊपर इतना रास्ता खराब है, पूरा ये रास्ता खराब किए है, और पूरा एकदम रास्ता खराब हो गया है पूरा। तो बाइक स्लिप मार दी और ये रखे सिलेंडर, डर लग रहा है कहीं गिर जाए। सब बनाया जा रहा है नया, देखो ये हम लोग गाँव लेके जा रहा है सिलेंडर। हम लोग को मालूम नहीं था कि लेके जाते सब गांव में भी, नहीं तो इसी से हम लोग एक्सचेंज कर देते। सिलेंडर तो ला दिए, लेकिन पूरा कपड़ा गंदा हो गया, ये पूरा एकदम गंदा हो गया, पैंट ये भी पूरा दिख रहा है, इतना ज्यादा इसमें धूल लगा हुआ था, और बहुत ज्यादा भारी भी है, लगभग लगभग 30 किलो के आसपास का है इसका वेट। यहाँ पर लिखा है 30 किलो, 30 kg, और खाली सिलेंडर का वेट है 14.2 किलो। द्वार पे काम करके मैं भी गंदा हो गया हूँ, पूरा कपड़ा भी गंदा हो गया, जाना हूँ नहाने। वैसे मम्मी गर्म पानी कर देती है, इससे गर्म पानी है पहले से ही। नहा के चकाचक रेडी होने के बाद छत पे आके बैठा हूँ, धूप ले रहा हूँ, थोड़ा आराम रहेगा धूप से। नहाने से पहले अभी एक सामान निकालते हम लोग घर से बाहर, वो लोहे का एक रेलिंग है 2 से 3 क्विंटल का था, 2 ही लोग 3 लोग मिल के उठाया, बहुत ज़्यादा भारी था वो, अभी दिखाएंगे उसको बाहर चल के। मैं भी उठाया था, फाल पंचर हो गया जब रख दिया, उसके बाद बहुत तेज कमर दर्द करने लगा। अभी 1.5-2 घंटे के आसपास जियोग्राफी प्रैक्टिकल कंप्लीट कर रहा था,
अभी एक ही दो पेज लिखा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें कैलकुलेशन टाइप का है, और वेट कर रहा था कि कोई भी क्लास का लिंक है, क्लास ज्वाइन किया जाए, कोई भी क्लास का लिंक नहीं आया। आज लग रहा है जैसे कि सारा क्लास आज डिसमिस था। अभी घर से भाग के आया हूँ क्योंकि मम्मी कुछ काम देती है अगर, तो हम भाई लोग एक दूसरे ऊपर ट्रांसफ़र कर देते हैं। जैसे मम्मी कुछ मुझे कहेगी काम करने के, तो मैं छोटे भाई को ट्रांसफ़र करूँगा, और वो कुछ छोटे भाई कहेगी तो छोटा भाई मेरे करके हम दोनों काम छोड़ के भाग आते हैं। लेकिन पापा के सामने ऐसा नहीं हो पाता है, पापा जो बोलेंगे, जिसको बोलेंगे वही करना पड़ेगा उसको। ऐसे मम्मी गुस्सा होती है थोड़ी देर के लिए, फिर मान जाती है। अगर तुम भी ये हेरा फेरी करते हो तो कमेंट करके बताना। सन के इस साइड से चेहरा का वीडियो बनाने का रीज़न ये है क्योंकि इस साइड से ब्लैक ब्लैक चेहरा नहीं दिखेगा, नहीं तो इधर से तो फोकस ही नहीं कर पाएगा कैमरा, उस वजह से इधर से वीडियो बना रहा हूँ। आज लगाते ग्राउंड का रास्ता साफ खिल गई बा, देखाएंगे पूरा साफ बा। ये बस थोड़ा सा जिन पेड़ों के ऊपर झड़ गया पति है, मेहनत कर ज़्यादा लोग बोलन कि ना साफ सफाई का दिन। ग्राउंड पर भी अपना झंडा लग गया। जीन्स पहन के ना पाई यार वेदांश, आ जा नीचे जा, आराम से नीचे जा। आज धूप की वजह से सारा उस पार का क्लियर दिख रहा है, नहीं तो धूप नहीं रहता तो कुछ भी क्लियर नहीं दिखता है, और आज तो पूरा क्लियर, वो भी पीपा पुल भी दिख रहा है। पहले तो ये टावर दिखता ही नहीं था, अब धूप के कारण से दिखना ही स्टार्ट हो गया है वापस। एक्सरसाइज हो गया, ये जैकेट पहनने तो बहुत ज़्यादा पसीना हो गया, जैकेट पहन के दौड़ा था ना, लेकिन कुछ भी कोई जैकेट पहन के दौड़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया है। इस एरिया में बहुत टाइम बाद आ रहा हूँ मैं, स्वाति की वीडियो जो रहता है वो इधर ही आके बनाया था मैं, और अभी आ रहा हूँ, लगभग दो तीन हफ्ते बाद आ रहा हूँ। घर पर आने के बाद देखो क्या मन चला कि छोटे भाई ने क्या खाने के लिए लाया है, समोसा लेकर आए खाने के लिए। अभी मैं ग्राउंड से दौड़ के आया हूँ लेकिन कुछ देर बाद खाऊंगा। छोड़ो कौन वेट करेगा खाने के लिए, बाद में खा जाएगा, अभी जा रहा हूँ खाने। समोसा खाने के बाद आगे गंगा जी वापस घूमने के लिए। ये सब मच्छर बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, और इधर गंगा जी मजा तो आ रहा है रात शाम को सीन देख के, कि घर में एक दो मोबाइल करना है।